गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको मॉडल साइंस में चैप्टर 7 पढ़ाएंगे, जो कि आपका क्या है, वंडरफुल इंडिया, आश्चर्यजनक भारत। तो देखिए, भारत में आश्चर्यजनक क्या है ऐसा, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, कहानी शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन जैस्मिन शर्मा मैम वॉज टेकिंग द क्लास। एक दिन जैस्मिन शर्मा मैम मतलब क्लास में बच्चों कहती हैं, सी आस्क्ड, वो पूछती हैं, डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, वॉट इज द बेस्ट थिंग रिगार्डिंग आवर कंट्री, मतलब बच्चे हमारे देश में सबसे अच्छी चीज क्या है। मैम, आवर नेशनल एनिमल, टोल्ड वन स्टूडेंट रेजिंग द हैंड, एक बच्चे ने अपना हाथ उठाते हुए कहा कि मतलब राष्ट्रीय पशु। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, मैम आई थिंक इट्स राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली, रिप्लाइड अनदर स्टूडेंट, एक अन्य बच्चे ने रिप्लाई दिया, बताया कि दिल्ली का राष्ट्रपति भवन। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट रिप्लाइड द ताजमहल, लेकिन अधिकांश मतलब अधिकांश छात्रों ने जवाब दिया ताजमहल। मिस्टर शर्मा स्माइल मिडिल एंड से, मिस्टर शर्मा ने मतलब थोड़ा सा मुस्कुराया, ठीक है, स्माइल मिडिल मतलब हल्का सा मुस्कुरा के बोलती हैं, स्टूडेंट इट इज ए फैक्ट दैट आवर ग्रेट कंट्री हैज मैनी अट्रैक्टिव थिंग सच एज ह्यूज बिल्डिंग, यूजफुल एनिमल्स, ब्यूटीफुल पार्क्स एंड एनिशियंट मोमेंट्स। यह सच है कि हमारे महान देश में विशाल इमारतें, उपयोगी जानवर, सुंदर पार्क, बड़ी इमारतें जैसी कई आकर्षक चीजें हैं। इट इज रियली, यह वास्तव में ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी वन टू सेलेक्ट आवर आउट एनी वन ऑफ देम, यह वास्तव में किसी के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम है उनमें से किसी एक को चयन करना। मतलब जैसे बच्चों ने कई चीज़ों के बारे में बताया, तो वही मैम उनको समझा रही है कि बहुत मुश्किल है कि इनमें से किसी एक चीज़ का चयन किया जाए। आगे देखिए, फर्दर सी एक्सप्लेन, इसके अलावा उन्होंने बताया, बट वेन एवर वी डिस्कस अबाउट वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, देन इट मेक्स अस वेरी प्राउड दैट आवर कंट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द लकीस्ट कंट्रीज। लेकिन जब भी हम विश्व के किसी सात अजूबे के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसमें हमें बहुत गर्व होता है कि हमारा देश भी भाग्यशाली देशों में से एक है। आवर कंट्री हैज वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, हमारा देश भी सात अजूबे में से एक है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स वेयर वेरी सरप्राइज एंड से, सभी बच्चे बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, ट्रूली मैम, वास्तव में मैम, प्लीज टेल अस अबाउट द ताजमहल मोर इन डिटेल, कृपया मैम ताजमहल के बारे में हमको विस्तार से बताइए। मिसेस शर्मा टोल्ड देम, मिसेस शर्मा ने बताया, द ग्रैंड ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ज्वेल्स ऑफ द आवर ग्रेट कंट्री, ताजमहल हमारे देश के सबसे मूल्यवान रत्नों में से एक है। इट वॉज कंसिडर्ड बाई द मुगल एम्पायर शाहजहां इन द स्वीट मेमोरीज ऑफ मोस्ट ब्यूटिफुल वाइफ मुमताज महल, ये उनकी सबसे खूबसूरत पत्नी मुमताज महल की मधुर स्मृति के कारण मतलब शाहजहां ने निर्माण करवाया था। इट इज सिचुएटेड इन आगरा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यह आगरा के मतलब आगरा नदी के किनारे, ये आगरा में यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। द ग्रैंड ताजमहल इज फुली मेड ऑफ द वाइट मार्बल, ये जो ताजमहल है पूरी तरह से मतलब ये सफेद मार्बल से बना हुआ है। इट्स टॉम इज डोम से, मतलब ऊपर जो हिस्सा है वो गुम्बद शेप में बना हुआ है। इट इज टोटली सराउंडेड बाय द ग्रीन एंड द ब्यूटीफुल गार्डन्स, ये पूरी तरह से मतलब इसके चारों तरफ मतलब ये हरे भरे हैं और सुंदर सुंदर क्या है, बगीचे हैं, गार्डन है। द ताजमहल इज द वन ऑफ द मोर फेमस बिल्डिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में ताजमहल सबसे फेमस इमारत है। इट इज ए वेरी अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट, यह एक बहुत ही आकर्षक पर्यटन स्थल है। इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल विजिटर्स एवरी ईयर्स, यहाँ पे हर साल लाखों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक इसको देखने के लिए आते हैं।
आफ्टर दैट बाद में द टीचर शोड ऑल द स्टूडेंट द ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स ऑफ द ताजमहल। बाद में टीचर मतलब शिक्षिका ने एक ताजमहल का बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ दिखाती है। एवरी स्टूडेंट वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू सी द ग्रैंड एंड द ब्यूटीफुल ताजमहल। मतलब ये देखिए सभी बच्चे क्या थे, मतलब भव्य और सुंदर ताजमहल को देखने के लिए प्रत्येक छात्र क्या थे, बहुत ही उत्साहित थे। देन तब द टीचर टोल्ड दैट इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू सेव दीज वंडरफुल। तब शिक्षिका ने बताया कि हमें इन अद्भुत समय को बचाना और हमारा नैतिक धर्म है। मतलब ये जो ताजमहल के बारे में वो बताती हैं कि ये जो हमारे पास ये जो अच्छा खासा लम्हा है, हमारे पास जो क्षण है, इसलिए ये चीज़ के लिए इसको हमको बचा के रखना चाहिए ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको देख सके। ठीक है, देखिए जब कोई नहीं होगा तो इस मार्ग को अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस मार्ग की देखने लायक रहेंगी। सी सेड, उन्होंने कहा डू यू थिंक दैट यू कैन आल्सो इन सेविंग आवर नेशनल एंड हिस्टोरिकल मोमेंट्स। क्या आपको लगता है कि आप हमारे राष्ट्रीय और ऐतिहासिक स्मारकों को बचाने में मदद कर सकते हैं? मैम हाउ कैन वी सेव इट, मैम हम इसको कैसे बचा सकते हैं, प्लीज एक्सप्लेन अस। कृपया इस आप द स्टूडेंट मतलब बच्चों से क्या कहते हैं, कृपया इसके बारे में कुछ बताइए कि इसको हम कैसे मतलब सेव कर सकते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट सम पॉइंट्स टू सेव द नेशनल बिल्डिंग्स। टीचर ने शिक्षिका ने बच्चों को कुछ बिंदुओं पर मतलब कुछ बिंदुओं को बताया कि किस प्रकार से वे राष्ट्रीय मतलब ये राष्ट्रीय स्मारकों को बचा सकते हैं। देखिए सी सेड दैट वी कैन सेव मोमेंट्स इन द फॉलोइंग वे। वे बताती हैं कि निम्नलिखित तरीके से भी हम इसको बचा सकते हैं। देखिए पहला क्या है आपका, यू शुड नेवर राइट एनीथिंग ऑन द पिलर्स ऑन और वॉल्स ऑफ द मोमेंट्स। आपको कभी भी स्मारकों के दीवार या खंभों पर नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। सेकंड, व्हेन एवर यू विजिट एनी मोमेंट्स यू शुड नेवर थ्रो गार्बेज और इटेबल्स अराउंड द बिल्डिंग्स। और आपको मतलब जब भी आप कभी स्मारकों पे मतलब इस तरह स्मारकों पे घूमने के लिए जाएं तो कभी भी खाने पीने वाली चीज इधर उधर ना फेंकें। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। ओके थैंक यू। 7 अजूबे में से एक है। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स वेयर वेरी सरप्राइज एंड से, सभी बच्चे बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं ट्रूली मैम वास्तव में मैम प्लीज टेल अस अबाउट द ताजमहल मोर इन डिटेल। कृपया मैम ताजमहल के बारे में हमको विस्तार से बताइए। मिसेस शर्मा ने बताया द ग्रैंड ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ज्वेलर्स ऑफ आवर ग्रेट कंट्री। ताजमहल हमारे देश के सबसे मूल्यवान रत्नों में से एक है। इट वॉज कंसिडर्ड बाई द मुगल एम्पायर शाहजहां इन द स्वीट मेमोरीज ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ मुमताज महल। ये उनकी सबसे खूबसूरत पत्नी मुमताज महल की मधुर स्मृति के कारण मतलब शाहजहां ने निर्माण करवाया था। इट इज सिचुएटेड इन आगरा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। यह आगरा के मतलब आगरा नदी के किनारे, ये आगरा में यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, द ग्रैंड ताजमहल इज फुली मेड ऑफ द वाइट मार्बल। ये जो ताजमहल है पूरी तरह से मतलब ये सफेद मार्बल से बना हुआ है। इट्स टॉप इज डोम से, मतलब ऊपर जो इसका है वो गुम्बद शेप में बना हुआ है। इट इज टोटली सराउंडेड बाई द ग्रीन एंड द ब्यूटीफुल गार्डन्स। ये पूरी तरह से मतलब इसके चारों तरफ मतलब ये हरे भरे हैं और सुंदर सुंदर क्या हैं, बगीचे हैं, गार्डन हैं। द ताजमहल इज द वन ऑफ द मोर फेमस बिल्डिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में ताजमहल सबसे फेमस इमारत है। इट इज ए वेरी अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट। यह एक बहुत ही आकर्षक पर्यटन स्थल है। इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल विजिटर्स एवरी ईयर्स। यहाँ पे हर साल लाखों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक इसको देखने के लिए आते हैं। आफ्टर दैट बाद में द टीचर शोड ऑल द स्टूडेंट द ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स ऑफ द ताजमहल। बाद में टीचर्स मतलब शिक्षिका ने एक ताजमहल का बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ दिखाती है।
वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू सी द ग्रैंड एंड द ब्यूटीफुल ताजमहल। मतलब ये देखिए सभी बच्चे क्या थे, मतलब भव्य और सुंदर ताजमहल को देखने के लिए प्रत्येक छात्र क्या थे, बहुत ही उत्साहित थे। देन तब द टीचर टोल्ड दैट इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू सेव दीज वंडरफुल। तब शिक्षिका ने बताया कि समय को बचाना और हमारा नैतिक धर्म है, मतलब ये जो ताजमहल के बारे में वो बताती हैं कि ये जो हमारे पास ये जो अच्छा खासा लम्हा है, हमारे पास जो क्षण है इसलिए चीज़ के लिए इसको हमको बचा के रखना चाहिए ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको देख सकें। ठीक है, देखिए जब कोई नहीं होगा तो इस स्मारक को अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्मारक ही देखने लायक रहेंगी। सी सेड, उन्होंने कहा डू यू थिंक दैट यू कैन आल्सो इन सेविंग आवर नेशनल एंड हिस्टोरिकल मोमेंट्स। क्या आपको लगता है कि आप हमारे राष्ट्रीय और ऐतिहासिक स्मारकों को बचाने में मदद कर सकते हैं? मैम हाउ कैन वी सेव दैट, मैम हम इसको कैसे बचा सकते हैं, प्लीज एक्सप्लेन अस। कृपया इस आप द स्टूडेंट मतलब बच्चों से क्या कहते हैं, कृपया इसके बारे में कुछ बताइए कि इसको हम कैसे मतलब सेव कर सकते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट सम पॉइंट्स टू सेव द नेशनल बिल्डिंग्स। टीचर ने शिक्षिका ने बच्चों को कुछ बिंदुओं पर मतलब कुछ बिंदुओं को बताया कि किस प्रकार से वे राष्ट्रीय मतलब ये राष्ट्रीय स्मारकों को बचा सकते हैं। देखिए सी सेड दैट वी कैन सेव मोमेंट्स इन द फॉलोइंग वे। वे बताती हैं कि निम्नलिखित तरीके से भी हम इसको बचा सकते हैं। देखिए पहला क्या है आपका, यू शुड नेवर राइट एनीथिंग ऑन द पिलर्स ऑन और वॉल्स ऑफ द मोमेंट्स। आपको कभी भी स्मारकों के दीवार या खंभों पे नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। सेकंड, वेन एवर यू विजिट एनी मोमेंट्स यू शुड नेवर थ्रो गार्बेज और इटेबल्स अराउंड द बिल्डिंग्स। और आपको मतलब जब भी आप कभी स्मारकों पे मतलब इस तरह स्मारकों पे घूमने के लिए जाएं तो कभी भी खाने पीने वाली चीज़ इधर उधर ना फेंके। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।